छत्तीसगढ़ की राजनांदगांव लोकसभा सीट पर चुनाव 26 अप्रैल को है। ऐसे में सभी पार्टियां जोर शोर से चुनाव प्रचार में लग गई हैं, जहां एक ओर भाजपा लोकसभा प्रत्याशी संतोष पांडे ने डोंगरगढ़ में अपने लिए वोट मांगे, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजनांदगांव में चुनाव प्रचार किया। अपने दौरे को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया कि आज राजनांदगांव के दौरे पर हूं और पुराने कार्यकर्ता के घर में जाकर मैं मुलाकात कर रहा हूं। आज नांदगांव शहर में नगर निगम क्षेत्र में जितने भी प्रतिष्ठित नागरिक हैं, हमारे पार्टी के वरिष्ठ लोग हैं और बहुत सारे सामाजिक संगठन हैं, सबसे मिलने जुलने का कार्यक्रम है और सभी जगह जा रहे हैं और खूब आशीर्वाद लोगों को मिल रहा है। बड़े बुजुर्ग भी शुरू से कांग्रेस का झंडा उठाए थे, उन घरों में भी जाने का अवसर आज मिला, तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और शहर में भी वातावरण धीरे धीरे सुधर रहा है, कांग्रेस के पक्ष में आ रहा है।